15 जनवरी से जिले में 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को रूबेला की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। पूर्णिया डीएम प्रदीप कुमार झा ने एक प्रेस वार्ता के दरमियान बताया कि 12,432 बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। 15 जनवरी से जिले में तथा पूरे राज्य में मिजल्स रूबेला के खिलाफ टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। मिजल्स खसरा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यह एक जानलेवा बीमारी है। उसी प्रकार से रूबेला जो है, जिसको कि जापानीज मिजल्स भी कहते हैं, उसके बारे में भी जो जानकारी दी गई, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि बहुत ही जानलेवा बीमारी है, तो यह हमारा प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम को हम लोग 100% सक्सेसफुल बनाए, ताकि ऐसी बीमारियों का हमारे यहाँ के बच्चों पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। पूर्णिया जिले में जो लक्ष्य है बहुत ही बड़ा है कि हमारे जिले में 12,32,446 बच्चों को, जो कि 9 माह से 15 वर्ष के बीच के एज ग्रुप के हैं, उनको चिन्हित किया गया है और विद्यालयों में 3,740 सेशंस होंगे, आंगनवाड़ी केंद्रों में 3,842 सत्र होंगे एवं दूरस्थ क्षेत्रों में 128 मोबाइल दलों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके लिए संबंधित जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आप लोग को यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है मास लेवल पे टीकाकरण का, तो उसमें एक ड्यूलिस्ट बनता है और दूसरा माइक्रो प्लान बनता है, तो उसकी भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। उसमें हम जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं और उनसे संबंधित जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और वहां पे जितने भी हमारे कर्मचारी प्रतिनियुक्त हैं, जो वहां पर जिनकी नियुक्ति की गई है, उनके माध्यम से इन कार्यों को संपादित किया जाता है। हम इसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया है कि हम लोगों ने AEFI के लिए भी टीम्स को तैनात किया हुआ है। AEFI का मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। बहुत ही सेफ टीकाकरण का कार्यक्रम है ये। फिर भी बहुत बार क्या होता है कि जब हम मास लेवल पे बच्चों को इम्यूनाइज करते हैं तो कुछ भ्रांतियाँ होती है, एक बच्चे को थोड़ा सा इंजेक्शन का दर्द होता है तो दूसरे बच्चों में भी डर व्याप्त हो जाता है। उससे निपटने के लिए भी हम लोगों ने टीम्स बनाई हैं। इसमें सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल्स को भी हम लोगों ने टारगेट किया है। अच्छी खासी संख्या में बच्चे हमारे विद्यालयों में रहेंगे। हमारे स्तर से पर्सनली सभी विद्यालयों को पत्र लिखा गया है, हम लोगों ने बैठक भी की है